24 आपको दिखा रहा है प्रियंका चोपड़ा का लेटेस्ट फोटोशूट के सेट की ये अनसीन पिक्चर्स, जिसमें प्रियंका दिख रही हैं फैशन शूट के लिए ऑल सेट। टेक अ लुक। फॉर्मर मिस यूनिवर्स एंड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने रिसेंटली करवाया ये फोटोशूट। इन डिफरेंट इंडियन अटायर्स में सुष्मिता इज लुकिंग स्टनिंग। लगता है शेट्टी फैमिली पर सलमान खान कुछ ज्यादा ही हो गए हैं मेहरबान। अब देखे ना, सुनील शेट्टी की बेटी आथिया को तो सलमान फिल्म हीरोपंती से एक बिग लॉन्च दे ही रहे हैं, लेकिन अब आथिया के डैड सुनील शेट्टी के डूबते करियर को भी सलमान ही लगाएंगे किनारा। E24 को पता चला है कि सलमान की आने वाली फिल्म जय हो में सुनील एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग को वो नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। सुपर हीरो से ऋतिक रोशन अब बन गए हैं सेंटा, और ऋतिक ने ये सेंटा अवतार लिया अपनी अपकमिंग सुपर हीरो फ्लिक क्रिश 3 के क्रू मेंबर्स के लिए। जैसे ही ऋतिक की फिल्म क्रिश 3 का शूट पूरा हुआ, ऋतिक ने अपने पूरे क्रू मेंबर्स को गिफ्ट्स में चॉकलेट और वाइन दी। ऋतिक के इस जेस्टर से फिल्म की पूरी क्रू हो गई बेहद खुश। सिल्वर स्क्रीन पर बहुत जल्द नजर आएगा एक फ्रेश एंड न्यू कपल, और ये फ्रेश पेयरिंग होगी अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर की। Sources are to be believed, तो अक्षय की अपकमिंग फिल्म गब्बर के लिए श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया जा रहा है। इससे पहले श्रुति हासन और अमला पॉल का नाम भी इस प्रोजेक्ट के लिए सामने आया था। बिग बी एक बार फिर बन रहे हैं भूतनाथ। अमिताभ ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। अगले हफ्ते से फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। भूतनाथ फिल्म के प्रोड्यूसर रवि चोपड़ा होंगे, लेकिन डायरेक्टर बदल गया है। पिछले कई दिनों से बॉलीवुड के गलियारों से खबरें आ रही थी कि इरफान खान लेजेंडरी म्यूजिशियन भूपेन हजारिका का रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं, लेकिन E24 से कैंडिड चैट के दौरान इरफान ने इस तरह की किसी भी खबर को महज रूमर बताया है। जॉन इब्राहिम की अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक के एक स्पेशल सॉन्ग का बजट है 3 करोड़ रुपए। ये स्पेशल सॉन्ग फिल्म में जॉन के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराने वाला होगा, जिसमें जॉन के साथ 700 डांसर्स और जूनियर आर्टिस्ट भी नजर आएंगे। अपनी अपकमिंग फिल्म रज्जो में अपने कैरेक्टर के साथ फुल जस्टिस करने के लिए रज्जो यानी कंगना ने किया काफी रिसर्च। फिल्म में कंगना एक मुजरेवाली का रोल प्ले करती नजर आएंगी। एक रियल लाइफ मुजरेवाली का माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज जानने के लिए कंगना ने मुंबई की रियल लोकेशंस के कोठास को भी विजिट किया। यही नहीं, अपने इस रोल में पूरी तरह से ढलने के लिए कंगना एक दिन में 14 से 16 घंटे करती थी रिहर्सल।